एक काम करते हैं, अब से ना चीजें डिस्कस करने बंद कर देते हैं। When was the last time we discussed anything? कल रात ही तो 2 घंटा बैठ के हमने इस बारे में बात की थी। हमने नहीं, 2 घंटा आपने बैठ के मुझे कन्विंस किया है कि कैसे हर बार की तरह आपका डिसीजन ही सही है। And clearly, as usual, you don't agree with me. तो बाल लैंडलॉर्ड अंकल का कॉल आया था आज फिर से। तो अब अगर बिल्डिंग कमेटी ने बोल दिया है तो 24 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। मम्मी भी कब से बोल रहे हैं, दैट्स टू मच। टक्कर देगा अपनी यार, चिल करना। क्यों पैकिंग कर रहा है तू? हाँ यार, बट तुझे भी पता है ना, 60,000 भर के बैंड्रा में रहना, इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस एनी मोर। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, थोड़ी दूर चलते हैं। 30,000 में तुझे इससे बेटर फ्लैट दिलाऊंगा, आई प्रॉमिस। तारा, यू नो आई कांट बिलीव दैट यू ऑफ ऑल पीपल डोंट गेट इट राघव। गेट व्हाट? तुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियली? ये तेरी बुकशेल्फ, इसमें 139 बुक्स हैं, पर तू हर रात ऑल अबाउट लव का एक नया ऐसे निकाल के पढ़ना शुरू कर देती है एंड यू कॉल योरसेल्फ एन एविड रीडर। तेरा स्टैंडर्ड ऑर्डर पनीर चिली और शेजवान राइस होता है हमेशा, और सारे डेज को तू सेम शो बिंज वॉच करती है क्योंकि नई फिल्में देखना तुझे पसंद नहीं। डोंट टॉक अबाउट माय सैटरडेज प्लीज। आई बिंज वॉच द सेम शोज बिकॉज़ यू आर नॉट हियर राघव। तेरी प्रेजेंटेशंस, तेरी मीटिंग्स, 8 वीकेंड्स फॉर नाउ एंड यस आई हैव काउंटेड। When was the last time I was your weekend plan? Say a second. Bet. Bet. देख, पारू, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। मुझे पता है, जब मेरी पहली बुक का पहला चेक मुझे मिला था, मैं हॉस्टल से सीधा इस घर में आई थी। Space is who I am, Raghav. I made you fall in love with the girl at the blue desk. Tara. My phone ka wallpaper abhi bhi wahi hai. And you know you are that girl for me. लेकिन थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मे बी दैट विल हेल्प यू गेट अवे योर राइटर्स ब्लॉक। कहना क्या चाह रहे हैं राघव? देख यार, मैं बस इतना कह रहा हूं कि एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैन वी इवन अफोर्ड दिस एनीमोर? कैन वी अफोर्ड दिस? ओके, सो मेरी सेकंड नॉवल अब तुझे भारी पड़ रही है, राइट? तेरे 5 ईयर प्लान में नहीं फिट हो रही होगी ना कहीं पे। You know, I was managing without you also. अरे मेरी बात को गलत मत समझ। तू गलत बात मत करना राघव। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ, okay? And if this is not working out for you, then maybe just find something that does. Oh, okay. I can't believe you just said that. अपने कंफर्ट ज़ोन को रोमांटिसाइज़ करना बंद कर और रियलिटी में आ जा तारा।
रियलिटी ओके द सेम रियलिटी जहाँ पे आज तेरी कॉन्फ्रेंस है सो थिंक यू शुड गो मुझे अपना वैलेंटाइन स्पेशल लिखना है नो 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 टॉपिक मत चेंज कर बट वाओ आई एम फाइनली रियलाइजिंग कि ये सब तो कभी मेरा था ही नहीं ना ये घर तेरा है ये स्पेस तेरी है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे थैंक्स ग्रेट के बाद यही होता है ना कंफर्ट जोन अनकंफर्टेबल साइलेंसेस से भर जाता है सारा रोमांस बिग डिक्लेरेशंस ऑफ लव द ज़ाज़ा ज़ू वो सब इसी शहर के किसी 1 BHK के डब्बे में बंद हो जाता है वैलेंटाइन्स डे याद नहीं रहता बट रेंट कब देना है वो जरूर याद रहता है सॉरी गाइस वैलेंटाइन स्पेशल के लिए थोड़ा हैवी हो गया ना बट आज एक बात समझ में आई है मुझे कि हर सुबह आज भी कॉफी वही बनाता है रोज रात को लाइट ऑफ भी वही करने के लिए उठता है और लाइफ में कुछ भी हो पहला फोन उसी को जाता है सो मे बी द लव इज स्टिल राइट इन फ्रंट ऑफ अस रैप्ड इन अ गोल्डन लिटिल फॉयल वेटिंग टू बी ओपन्ड एंड सेलिब्रेटेड I do love the girl at the blue desk. और सुनना, कुछ कर लेंगे। Well, I know you. दिखता तेरा प्यार। But पता है मैंने भी कुछ realize किया आज। That the house is not my comfort zone anymore. You are. Cheers. Cheers. अच्छा वैसे 9 PM Hershey's Kisses the weekend तू यहाँ क्या कर रहा है तारा तलवार will you be my weekends No! What? एक मिनट तुझे लगा कि मैं एक्चुअली प्रपोज कर रहा हूँ No. Oh, so cute! Wow! ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा ही है